अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप लोगों की फरमाइश पे आज हम बना रहे हैं बटर केक। बहुत दफ़ा आप लोगों ने फरमाइश की थी बटर केक बनाना सिखाएं, स्पंज तो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, कितनी दफ़ा वो भी अगर आपने मिस आउट कर दिया हो तो देख लीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। सोचेंगे मैं क्या कर रही हूँ, ऑलरेडी आई एम जस्ट डूइंग कोयले का दम देने हैं हमने, गलौटी कबाब बनाने मटन के कीमे के साथ। तो नेक्स्ट रेसिपी हमारी वो होगी, तो उसके लिए उसके मिक्सचर को बना के फिर उसको हम दम देंगे, इसलिए कोयले को मैंने यहाँ रख दिया है ताकि अच्छा सा लाल हो जाए। अच्छा जी, 250 ग्राम हर चीज़ है, 250 ग्राम पीकान सॉल्टेड मक्खन है, 250 ग्राम मैदा है, 250 ग्राम चीनी है, ठीक है। 4 से 5 अंडे लीजिएगा, अगर बड़े अंडे हों तो 4-5 मैंने लिए हैं। चीनी है, मैदा है, नमक है और बेकिंग पाउडर 1 चमचा भर के है, मक्खन है, वेनिला एसेंस है और दूध है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, इट्स अ बटर केक। इसको बना के इसको रखिए, ट्राइफल में डालने में काम आएगा आपको, वैसे चाय पे खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको डाल सकते हैं, डिज़र्ट्स में, टिरामिसू के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास लेडी फिंगर्स नहीं हो तो। इसको आप जब सोक कर देंगे कॉफ़ी में तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने बटर केक को यूज़ किया है। सो सबसे पहले हम मक्खन और चीनी को बीट करेंगे। अवन हमेशा प्री हीट होना चाहिए, जब भी कोई बेकिंग करना शुरू करें आप आधा घंटा पहले प्री हीट कर लीजिएगा अवन को। ठीक है, 200 ग्राम की रेगुलर जो टिक्की आती है और ऊपर से अलग से। अच्छा, अब इसमें हम चीनी डालेंगे, अंडे के अंदर मैं वेनिला एसेंस डाल दूं। बहुत इजी रेसिपीज़ हैं आज की। अच्छा, आज वी गॉट डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर एनएक्स की तरफ से। अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 888-1 पे आप हमें बताएंगे कबाब्स के नाम, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। वेनिला एसेंस भी हो गया और मक्खन एंड चीनी बीट करते हैं। मक्खन, चीनी सेम क्वांटिटी, मैदा भी सेम क्वांटिटी, तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करिए। पांच अंडे एक के बाद एक डालिए, एक एक मिक्स इन हो जाए फिर दूसरा, ठीक है। अब हम ड्राई अज्जा के लिए यहाँ नमक और बेकिंग पाउडर डाल देंगे। नमक, बेकिंग पाउडर, और नाउ वील बीट दिस अगेन। मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर जाएगा, फिर इसमें हम दूध डालेंगे। अब अगर इसमें आपने कोई नट्स डालने हैं, चॉकलेट चिप्स डालने हैं, कुछ डालना है, यू कैन डू सो। मैं नहीं डाल रही, मैं प्लेन बटर केक आपको बनाना सिखा रही हूँ। साइडों से ये सब कुछ अंदर ले लीजिएगा और मैदा डाल के फिर फोल्ड कर दीजिएगा हल्के हाथ से, और दूध डालिए। एक दफ़ा बस हम इस
को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का हो, ऐसे करके उठाएं तो ये गिरे तो बस वरना दूध की ज़रूरत पड़ेगी। दूध हमेशा जितना भी हो उससे थोड़ा मैं ज़्यादा लेके आती हूँ, कभी कभार ज़्यादा जज्ब कर लेता है मैदा लिक्विड को, कभी कभार कम, सो डिपेंड्स ऑन दैट। अब मैंने चूँकि ये 5 अंडों का केक है तो इस तरह के लोफ टिन में कर दीजिए, मैंने 2 रखे हुए हैं यहाँ ताकि हम डिवाइड कर दें बैटर, ताकि फिर छोटे क्यूब्स में भी हम काट सकें और जल्दी बेक हो जाए, बिकॉज़ वी हैव लेस टाइम ऑन आवर शो। ठीक है जी, सो 250 ग्राम पीकान सॉल्टेड मक्खन, 1/4 टीस्पून नमक, 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम मैदा, 4 से 5 अंडे, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 70 मिलीलीटर्स मैंने लिखा है दूध, आधा कप जितना आप समझ लीजिए, और आप अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स कर दीजिए एंड पुट दिस टू बेक। डीलक्स 2 स्लाइस टोस्टर है एनएक्स की तरफ से, आज गिफ्ट अगर आपको जीतना है तो 888 पे 8881 इस नंबर पे आप एसएमएस करिए अपने फ़ोन से हमें कबाब के नाम, मसाला एफडी लिखेगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखेगा। अच्छा, मैं इसको टिन्स में निकाल के बेक करने के लिए रखती हूँ। टिन्स को हमने ग्रीस किया हुआ है, पेपर नीचे लगाया हुआ है, पेपर को भी ग्रीस किया हुआ है, कोई सा भी शेप टिन का ले लीजिए, बंट टिन हो उसमें कर लीजिए, मैं इस तरह कर रही हूँ ताकि स्लाइसेस में आप काट सकें, क्यूब्स में काट सकें, फ्लैट बड़ा टिन यूज़ करना है वो यूज़ कर लीजिएगा, मगर एक ही टिन में 4-5 अंडों का नहीं डालिएगा, क्या होगा कि भर तो जाएगा ऊपर तक लेकिन जगह नहीं रहेगी फॉर इट टू राइज, तो हमेशा टिन्स को 3/4 भरते हैं, पूरा पूरा नहीं भरते हैं, राइज होने की जगह छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये मैं रेडी करती हूँ, आप लोग लीजिए ब्रेक, जल्दी से वापस आइए और मैसेजेस करिए 888 पे 8881 इस नंबर पे अपने फ़ोन से, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट और मुझे बताइए कबाब के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर यानी अपना आईडी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़। मैंने बटर केक कैसे बनाया था, 250 ग्राम मैंने पीकान सॉल्टेड मक्खन लिया था, उसको बीट किया था, 250 ग्राम ही मैंने उसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी। ठीक है, 4 से 5 अंडे, मैंने 5 अंडे इस्तेमाल किए थे और 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस उसमें डाला था, फिर मैंने 250 ग्राम मैदे के अंदर 1/4 टीस्पून नमक डाला था और मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल के उसको भी अंदर फोल्ड इन कर दिया, दूध डाला था मैंने आधा कप जितना। ठीक है, सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिएगा, बीट कर दीजिएगा, बेक होने के लिए रख दीजिएगा और बेक हो जाए तो निकाल के स्लाइसेस में काट के खा सकते हैं, इसको एक को फ्रीज कर दीजिए, एक को खा लीजिए, क्यूब्स में काट के ट्राइफल में डाल दीजिए, कोई डिज़र्ट बना रहे हैं, लेयर करना है केक को, बाहर जाके नहीं खरीदिए, घर में बनाइए, पैसे भी बच जाएंगे, साफ़ सुथरा भी होगा। अच्छा, और अगर आपको रंग चाहिए तो हल्का सा पीला रंग आप बटर केक में डाल दीजिएगा, मैंने नहीं डाला है। ठीक है, अच्छा, गलौटी कबाब की तरफ आते हैं। आधा किलो मेरे पास यहाँ मटन का कीमा है, पपाया मुझे कहीं नहीं मिला, हरा पपीता अभी आजकल नहीं है सीज़न में, तो अगर हो तो 2 चमचे भर के डालिएगा छिलके समेत। ठीक है, अदरक और लहसुन है यहाँ, गरम मसाला पाउडर है, मेस का पाउडर है यानी कि जावित्री, फिर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, ये देखें रंग में ज़रा डार्क होता है, अदरवाइज़ इतना तीखा नहीं होता है, ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, उसको मैंने रोस्ट नहीं किया है, उसको मैं रोस्ट कर देती हूँ। वरना इसमें ना वो कच्चापन आएगा मुंह में। जी एक कॉलर है, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जनाब? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, मैं गजल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। आपके प्रोग्राम की एक तो तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी आप रेसिपीज बनाती हैं, कुकिंग खास करके। थैंक यू। जो आज आप केक बना रही हैं इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। जी जी बहुत आसान है, जरूर ट्राई करिएगा। जी और जनक आपके सवाल का जवाब देना है मुझे। जी ये कबाब तो बहुत है, उनमें से कुछ ये है, चपली कबाब, शामी कबाब, रेशमी कबाब, बिहारी कबाब, सीख कबाब, वेजिटेबल्स कबाब। ओके बस बस नोट कर दिया है, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ओके सो मैं आई इस पे थी बेसन पे और मैंने इसको रोस्ट करने रख दिया। फिर ज़ाफ़रान है मेरे पास यहाँ, उसको हम डालेंगे थोड़े से दूध में और ये हम कर देंगे। फिर प्याज का भी हमें पेस्ट बनाना है, इसमें सब कुछ वैसे भी पेस्ट बन जाएगा। प्याज फ्राई करके रख दीजिएगा, फ्राई प्याज, ठीक है, उसका पेस्ट, थोड़ा सा नमक जाएगा, रोज़ वाटर जाएगा, काली मिर्चों का पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, और यहाँ जो कोयला है वो हम पहले इसके मिक्सचर को दम देंगे और फिर उसके हम कटलेट्स बनाएंगे या कबाब, फ्लैट वाले कबाब, जो भी आपको बनाना है, ठीक है। घी में फ्राई करना है, घी में करिए, तेल में करना है, तेल में करिए, व्हाटएवर। अच्छी सी खुशबू आ जाए देन यूज़ इट, वरना वो कच्चा कच्चा लगेगा। कोयला हमारा हो गया, इसको बंद कर देते हैं। ओके सो नाउ लेट मी पुट एवरीथिंग, हर चीज़ हम अंदर रख दें। मैरिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे ये। दे आर सपोज टू बी नाइस एंड सॉफ्ट, ठीक है। और इसमें आप डालें लहसुन, ये हो गया है, इसको हम डाल देते हैं इसमें। बेसन है ये, फिर आप इसमें अदरक शामिल करिए, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक और गरम मसाला पाउडर, फिर छोटी हरी इलायची का पाउडर, और क्या है जनाब, ये मेस है यानी जावित्री, ठीक है, उसको पीस लिया है मैंने, ऑरेंज ब्लेड्स जैसे होते हैं उसको आप पीस लीजिए, और रोज़ वाटर थोड़ा सा, ज़ाफ़रान एंड दूध, एंड ब्राउन प्याज, एवरीथिंग मिक्स। अब इसको हम निकालेंगे एक बोल में, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोयले का दम देंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर और उसको छोड़ देंगे और फिर इसके कटलेट्स बनाएंगे, ठीक है जी। ट्राई करिएगा, बनाइएगा। दे सपोज टू बी नाइस एंड सॉफ्ट, इसीलिए गलावटी। जी कॉलर हैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, वो मुझे ना आपके प्रोग्राम में काफी दिनों से ट्राई कर रही थी, मुझे खसूसी सारे शेफ आप खाने तो अच्छे बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मुझे आपकी सबसे अच्छी बात जिसके लिए मुझे फोन किया है ना जी, आप ना इतना जल्दी जल्दी करते हैं, ये भी हमें बच्चियों को सिखाना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले ब्रेक में आप एक रेसिपी बना के रख लेती हैं, मैं अभी भी देख रही थी। अच्छा। तो माशाल्लाह आपका हाथ अच्छा है, कई लोग होते हैं उनका काम ही नहीं खत्म होता, मेरा ये है ना, उनका हाथ अच्छा, जी सही बात है ये, मुझे बहुत जल्दी होती है कि टाइम नहीं खत्म हो जाए ना शो का, लाइव शो है। अच्छा, बहुत मुझे आपकी ये बात लगती कि आप माशाल्लाह ना हाँ ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। वो एक और शेफ है ना संडे वाली, वो बहुत स्लो काम करती, मैं हमेशा आपको ही देखती हूँ, मैं बच्चियों को भी कहती हूँ
ये देखा करो इस तरह जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, ये नहीं भी एक ही काम खुलिया उसी को जी मटके बैठ गए। सबके अपने स्टाइल होते हैं जी, अब क्या बोले जी जी माशाल्लाह आपको नजर ना लगे, मैं आपके सवाल का जवाब जी नजर ना लगे, बिल्कुल सही कह रही हैं जी जी। वो आपने कबाब पूछे ना, तो कबाब होते हैं सी कबाब होते हैं, शामी कबाब होते हैं, वो चकली कबाब, गोला रेशमी कबाब, वो गोला कबाब, बिहारी कबाब जी। क्या करूं मैं, अब ये मेरा कोयला बेचारा अंदर चला गया सीरियसली। या बट हाउ डू आई, थैंक यू जी, जस्ट पुट अ ड्रॉप इसके ऊपर, बस ये काफी था, ठीक है, इतना सा टुकड़ा भी कोयले का काफी था टू डू धुआं। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे, ब्रेक में फिर हम इसको निकाल देंगे, कोयले को फेंक देंगे और फिर हम बनाएंगे इसके फ्लैट कटलेट्स और बटर केक भी चेक करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनिक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्टर, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे SMS करके बताइए कबाब के नाम, ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ये टोमेटो स्लाइसेस हैं, प्याज के लच्छे हैं इस तरह रिंग्स में काट के, और लेमन के वेजेस या स्लाइसेस के साथ आप इसको सर्व कर दीजिएगा। एक बार फिर रिकैप कर दूं कि मैंने क्या किया था, इट नीड्स टू मैरिनेट फॉर अ वाइल, ठीक है। मटन का कीमा लिया था आधा किलो, उसमें अगर आपके पास हो हरा पपीता या आपने फ्रीज करके रखा हो वो 1-2 चमचे भर के डालिएगा, कलावट अच्छी सी उसमें आएगी। अदरक और लहसुन चॉप करके डाला था हमने, फूड प्रोसेसर में सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी ताकि एक दफ़ा में ही हो जाए। गरम मसाला पाउडर, फिर जावित्री पिसी हुई, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, बेसन भून के डालिएगा, ठीक है, ज़ाफ़रान दूध में थोड़ा सा मिक्स करके, और नमक इसमें हमने डाला, रोज़ वाटर डाला, प्याज का पेस्ट, प्याज को फ्राई करके उसको पेस्ट बना के, इसमें पेस्ट बन गया था, और काली मिर्चों का पाउडर था, छोटी हरी इलायची का पाउडर था, और सब कुछ हमने पीस के फिर एक बोल में निकाला, उसमें कोयले का टुकड़ा रखा, उसके ऊपर तेल डाल दिया, धुआं सा हो गया, तो फिर आपने उसको अलग करके फ्लैट आपने कबाब इस तरह के बनाए, और फिर आप उसको तेल या घी में फ्राई कर दें। इनेक्स का आज हमारे पास डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर है, अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 8881 पे आप हमें बताएंगे कबाब्स के नाम, ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और आप जीत सकते हैं हमारे शो के थ्रू। तो जल्दी से बहुत सारे SMS कर लीजिएगा, और बटर केक जो 2 टिन मैंने रख दिया था बेक होने के लिए, इसलिए कि एक बड़ा टिन हो तो अच्छा है, हमारे पास टाइम कम होता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया है, आप एक ही टिन में कर सकते हैं। 250 ग्राम पीकान सॉल्टेड मक्खन बीट करिएगा, उसमें 250 ग्राम ही चीनी डालिएगा, और आप उसमें 4 से 5 अदद अंडे डालिएगा, 1 चमचा भर के वेनिला एसेंस जाएगा इसमें, आपने 250 ग्राम मैदा डाला छान के, ठीक है, 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर था, और 1/4 टीस्पून नमक था, इसके अलावा 79 मिलीलीटर से अबाउट 1/2 कप ऑफ मिल्क, दूध डाल के फिर आप उसको रख दीजिए। ओके, इसको हम जी, एक कॉलर है, हेलो, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, टीवी का वॉल्यूम बंद, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मुझे अगर अपनी आवाज़ आएगी तो आपकी लाइन कट जाएगी। टीवी का वॉल्यूम तो करनी, मैं दूसरे रूम में बात कर रही हूँ। अच्छा, बोले हैं जी, मैंने आज पहली बार आपने कॉल कर दी, मैंने कभी किसी को वहाँ में कॉल नहीं करी, आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे इनकी, क्या कह रही हैं, मुझे क्लियरली आवाज़ ही नहीं आ रही, हेलो हम शेफ़ कुकवेयर अपने शो पे यूज़ कर रहे हैं, सो
फर्स्ट पीपल टू मेक प्रेशर कुकर्स इन पाकिस्तान. बहुत अच्छी क्वालिटी का नॉन स्टिक वेयर है, आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा. मीडियम हीट पे फ्राई करिएगा ताकि कच्चे ना रहें. और गलावट के लिए अगर आप इसमें डालेंगे हरा पपीता तो बेस्ट रहेगा. मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन जब हम चीज़ें लिखते हैं, रेसिपीज़ लिखते हैं दो दो महीने पहले, तब पता नहीं होता ना कि चीज़ें नहीं मिलेंगी. सो नो हरा पपीता अवेलेबल, अभी आजकल सीज़न ही नहीं है. जी एक कॉलर हैं. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या लेजर में ठीक? मैं ठीक हूँ, थैंक यू. जी फरमाइए. आपका शो आज भी बहुत अच्छा है. थैंक यू. वेरी गुड. और जो कबाब आप बना रही हैं देखने में इतने यमी लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे. बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह. तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी. जी रेशमी कबाब भी होते हैं, गोला कबाब भी होते हैं, वेजिटेबल के होते हैं, चिकन के होते हैं. ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं. ओके, नोट कर दिया है. थैंक यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. ओके, सो बटर केक इज़ ऑल्सो बींग डन. अभी नहीं हुआ है, मैंने इतना कम बैटर डाला था. ये राइज हो रहा है, राइजिंग में भी जगह चाहिए होती है. अगर आप भर देंगे अपने टिन को तो फिर क्या होगा कि राइजिंग की जगह नहीं होगी, अंदर से बीच में से वो कच्चा रह जाएगा. सो चीज़ें अच्छी तरह तोला करें, नापा करें. उसके अलावा अंडे होने चाहिए रूम टेम्परेचर पे, मक्खन होना चाहिए थोड़ा सा नरम, पिघला हुआ नहीं, थोड़ा सा नरम. बाहर निकाल के रखिएगा. गर्मियों में बहुत ज़्यादा देर भी बाहर नहीं निकाल के रख दीजिए, एकदम पिघल जाता है. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये कि मैदा छान के इस्तेमाल करिएगा. यहाँ मैं आपके सामने नहीं छानती हूँ लेकिन छना हुआ मैं लेके आती हूँ, सो रिमेंबर दैट. और बस दैट्स इट. एंड हाँ, नेक्स्ट वीक हम क्या बना रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको मैं बता दूँगी. हम नेटवर्क और टेलेनॉर पाकिस्तान ने जॉइन हैंड्स किए हैं फॉर स्पेशल कैंपेन टू जनरेट डोनेशंस फॉर SIUT टू हेल्प द लेस प्रिविलेज पीपल. और हम लोग हम नेटवर्क पे हर जगह एयर भी कर रहे हैं अपने चैनल पे ये कैंपेन. और टेलेनॉर ने एक स्टेप फॉरवर्ड इस कैंपेन को ले लिया है. उन्होंने कहा है हम इक्वल अमाउंट देंगे जितना कलेक्ट होगा हमारे इस कैंपेन से. तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और बी जेनरस एंड डोनेट. थैंक यू. चलिए, वेरी सिंपल रेसिपीज़ टुडे, बहुत आसान रेसिपीज़. और जिन्होंने कहा मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो आई थिंक मैं एक घंटे का शो 20 मिनट में भी कर लेती हूँ, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल. बट कभी कभार रेसिपीज़ लंबी होती हैं, सो ज़्यादा टाइम निकल जाता है. सो इट ऑल डिपेंड्स. ठीक है, नेक्स्ट वीक भी मेरे साथ रहिएगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं. चलें पेज दिखा लेते हैं. बहुत अरसे से आप लोगों को मैंने पेज नहीं दिखाया है. बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कौन सा पेज है, कहाँ है. फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से हमारा पेज है और उस पर आप देख सकते हैं 4,63,000 मेंबर्स जो हो गए, 63,000 मेंबर्स जो हो गए हैं वो वाला है. कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं और पेज भी दिखाते हैं. जी हेलो. हेलो हेलो. जी हेलो. हेलो. जी हेलो. आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप? जी जी फरमाइए. मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ. जी बोलें. टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए. कबाब, शामी कबाब, गोला कबाब. ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया. जब आप हमें कॉल करें, कॉल लग जाए तो टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए. ठीक है, वरना लाइन कट जाएगी. थैंक यू सो मच. आप लोग इसको फौरन नहीं तलिएगा, आप लोग इसको मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा पपीता लगा के, फिर आप खाने बैठें तब उससे पहले कर दीजिएगा. और इसको दम भी फिर दीजिएगा ज़रूर याद से. ठीक है, कुछ लोगों को बहुत चारकोल का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है, तो कम टाइम दम दीजिएगा, अगर दीजिएगा ज़रूर. सो दिस इज़ आर पेज व्हाट यू जस्ट सॉ. और उसमें अगर आप जाके देखेंगे ना फोटोज़ में, ये फ़ोटोज़ हैं वहाँ, आप अगर जाके देखेंगे तो आपको इसमें तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं. आप जल्दी से इज्जत रख ले और डाउनलोड हो जाए. अभी हो ही नहीं रहा. सो द नेट इज स्लो टुडे. ये देखें, ये हो गए हैं, इनको निकालते जाइए. जितने फ्लैट होंगे ना वो पहले हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा इनको
ओवर कुक भी नहीं करिएगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं, मैं और भी बनाती जाऊंगी। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। बस आप डेकोरेट कर दीजिए जिस तरह भी आपको करना है, ठीक है। टमाटर और प्याज मैंने ऐसे ही रख दिया है जस्ट फॉर द कलर, नाइस कलर, ठीक है। आपको इसको मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है। आप मैरिनेट करोगे ना तो ये अच्छा, बहुत अच्छा गलेगा भी। ये भी गल गए हैं लेकिन बहुत अच्छा, वो उसमें बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, देखिएगा। सो नाउ दिस इज़ रेडी। बटर केक हमारा अभी नहीं हुआ है और मैं ये भी नहीं कह सकती कल दिखाएंगे, आज ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि कल तो हमारी छुट्टी है। सो देयर इज नो शो टुमारो, दिखाएंगे आपको अभी, होपफुली हो जाए। ज़रा मैंने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया है। अच्छा, और अब नेक्स्ट ब्रेक से पहले मुझे चाहिए वो लिस्ट प्लीज़ जो मैं क्या बना रही हूँ नेक्स्ट वीक वो। अच्छा चलिए, बटर केक का रिकैप कर दें। 250 ग्राम का रेशियो था, 250 ग्राम पीकान सॉल्टेड मक्खन, 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम मैदा, एक चम्मच वेनिला एसेंस और 4 से 5 अंडे, मैंने 5 यूज़ किए थे, फिर 1/4 टीस्पून नमक और हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर एंड देन आधा कप जितना दूध, ठीक है। अच्छा, गलौटी कबाब में मैंने 1/2 किलो मटन का कीमा लिया था, पपीते का पेस्ट जो हरा पपीता होता है उसका पेस्ट छिलके समेत, अदरक और लहसुन, गरम मसाला पाउडर, जावित्री यानी मेस, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, उसके अलावा ग्राम फ्लावर यानी के बेसन रोस्ट किया हुआ, ज़ाफ़रान दूध में मिलाया हुआ, आप इसमें प्याज फ्राई करके उसका पेस्ट बना के वो डाल देंगे, नमक है, रोज़ वाटर है थोड़ा सा, काली मिर्चों का पाउडर और छोटी हरी इलायची का पाउडर। ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके फूड प्रोसेसर में या हाथ से बहुत दफ़ा आपको मिक्स करना पड़ेगा, फिर आप कोयले का इसमें दम देंगे, कोयला रखेंगे गर्म होने के लिए पहले, फिर उसको आप उस डिश में, इस बोल में निकाल के रखेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल या घी डाल के 1 घंटा इसको छोड़ दीजिएगा, फिर इसके फ्लैट कटलेट्स बना दीजिएगा कबाब टाइप और उसको आप फ्राई कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल डन है, दे आर एब्सोल्युटली रेडी टू एन्जॉय। इसको आप बर्गर बंस के अंदर भी रख के खा सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट वी हैव डन टुडे और अभी मैं बस वेट कर रही हूँ कि बटर केक हमारा हो जाए और अगले हफ्ते हम क्या बना रहे हैं फूड डायरीज़ में वो भी हम देख लेते हैं। सो मैं समर रस से आइस लॉलीज बनाना सिखाऊंगी, वेजिटेबल कैसरोल है और कॉफ़ी पुडिंग है। मंगल को क्या बनाएंगे वो बताएंगे। एक कॉलर हैं, वेट कर रही हैं। हेलो हेलो, ओके ड्रॉप हो गई लाइन। मंगल को हम थाइम और चेडर चीज़ से कुकीज़ बनाएंगे, पर्शियन हलवा होगा, देखिएगा। और बुध को हम क्रीमी मशरूम चिकन है, फ्रॉस्टेड चॉकलेट केक है, इसके अलावा जुमेरात को कीमा बिरयानी है एंड कुकी मॉन्स्टर चीज़ केक है। कुकी मॉन्स्टर चीज़ केक, कुकी मॉन्स्टर पता है ना, ब्लू कलर का जो कार्टून एक कैरेक्टर है उसका हम एक बहुत अच्छा मज़े का चीज़ केक बनाएंगे। फ्राइडे को प्रॉन पुलाव है और ब्राउनी और टॉफ़ी की ब्रिटल बनेगी, ये एक बहुत मज़े का डिज़र्ट है। सो रेसिपीज सारी देखिएगा, पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30 में लाइव हूँ, हमारे साथ रहिएगा। और अभी मैं अभी क्या कॉलर हैं, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, फरमाइए जी। आज मेरी पहली बार मसाला टीवी पे कॉल लगी है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। खुश आमदीद हमारे शो में, फरमाइए जी। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, आपके सवाल का जवाब भी दूंगी जी। तंगड़ी कबाब, ट्रे कबाब, वॉलनट कबाब, अचारी चिकन कबाब, कॉर्न मेथी सीख कबाब, ओके लेमन चिकन कबाब, बीक कबाब, बस 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 चिकन कबाब, पिशाबी कबाब,
मेरी बात सुने, और आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। मेरी बात सुने, वॉलनट कबाब आपने खुद बनाए हैं कभी? जी जी मैं बनाती हूँ, आप ट्राई भी करती हूँ। ठीक है, किस तरह बनाए मुझे भी ज़रा बताएं। जी असल में मेरी मम्मा है ना, मम्मा ट्राई करती हैं तो उनके साथ देखती हूँ। अच्छा, उसमें कोई कीमा होता है कि वेजिटेबल्स के साथ वॉलनट्स डालती हैं? जी क्या बोली? वॉलनट के जो अखरोट के कबाब बनाती हैं उसमें क्या कीमा होता है कि सब्जी के बनते हैं? नहीं, अखरोट डालने। अखरोट सिर्फ? अखरोट भी होता है, कीमा भी होता है। अच्छा, कीमा, वही पूछ रही हूँ ना, कीमे के साथ अखरोट के कबाब। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके नाउ आई वॉन्ट टू सी क्या करेंगे इसका। अभी मेरा छोटा वाला केक हुआ है, नाइस एंड लाइट गोल्डन, बट नॉट द बड़ा वाला केक। दिखा दूँ एक दफ़ा, देख लें। सी अभी तो बहुत ही लाइट है, ये हो गया है, बड़ा वाला नहीं हुआ है। सो वील गिव इट अनदर 5 मिनट्स, है ना हमारे पास। अभी कोई ब्रेक तो नहीं है, हमें ब्रेक लेनी है ना, अभी टाइम है। सो वीव गॉट द टाइम, तो हम ऐसे करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि लज्जत में क्या बनेगा। 5 बजे लाइव आज, और फिर हम आपको ये भी दिखा लेते हैं, ये मैंने बना लिए हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। इलाटी कबाब, अज्जा मटन का कीमा आधा किलो, हरे पपीते का पेस्ट 4 चाय के चमचे, कुचला लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री 1 चुटकी, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चुटकी, भुना बेसन 2 चाय के चमचे, ज़ाफरान दूध में मिक्स 2 खाने के चमचे, घी 1 खाने का चमचा, तली प्याज का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, रोज़ वाटर 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, पिसी हरी इलायची 1 चुटकी, तेल 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब, तमाम अज्जा को एक बोल में मिक्स कर लें, उसके बाद कोयले को गर्म करें, फिर कोयले को फॉयल पेपर पर रख के थोड़ा सा घी डालें और कीमे के मिक्सर को ढक दें। अब चंद मिनट के बाद कोयले निकाल दें, उसके बाद घी गर्म करके कबाब फ्राई करके गर्म सर्व करें। बटर केक, अज्जा अनसॉल्टेड बटर 250 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, कास्टर्ड शुगर 250 ग्राम, अंडे 4 से 5 अदद, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, दूध 79 मिलीलीटर। तरकीब, अनसॉल्टेड बटर, चीनी, नमक और वनीला एसेंस को फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे डालकर फेंट लें, फिर इसमें चना हुआ मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के दूध के साथ मिक्स करें, फिर इस बटर को ग्रीस किए हुए अलाइन टिन में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट बेक करें, फिर निकाल कर वायर रैक पर ठंडा कर लें। वेलकम बैक, बस मैं केक निकाल दूं, दोनों अच्छे से ब्राउन भी हो गए हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देख लिया। अभी बहुत गर्म है, टू टेक इट आउट इन माय प्लेटर। जाली पे हमेशा छोड़ दिया करें कोई भी चीज़ आप बेक करें, ताकि ठंडी हो, नीचे से हवा लगे, और फिर आप इसको प्रॉड आउट करें। जैसे आपने साइडों से ऐसे इसको रिलीज़ किया, ठीक है, ब्लंट नाइफ में यूज़ कर रही हूँ, शार्प छुरी होगी तो आपका टिन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उस नॉन स्टिक है। फिर आप इसको लेके ना, उल्टा कर दीजिए, और पेपर बहुत गर्म है अभी, ध्यान से पेपर पील ऑफ कर दीजिए, ठीक है, हो गया। फिर चाहें तो इसको सीधा कर लें। ओके जी, और स्लाइसेस में काट लें। बहुत गर्म है, प्लीज याद रखिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए काट रही हूं। सही है, मैंने कोई रंग नहीं डाला, अंडों से ही ये रंग आया है जो आया है।
लज्जत में आज 5 बजे लाइव थाई कोकोनट चिकन स्पाइसी थाई फ्राइड राइस कोल्ड सेसमी नूडल्स बनेंगे और विनर हैं गज़ल लाहौर से हमारे इनेक्स का गिफ्ट डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर। तो अब मंडे को मुलाकात होगी। अच्छा सैटरडे संडे हफ्ता इतवार आप देखिएगा ज़रूर मेरा ऑलपर्स का शो, ठीक है 4 बजे शाम को। एक कॉलर है उनसे करते हैं बात। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपके सवाल का जवाब देना था, अभी तो शो ही खत्म हो गया। अभी मैंने डिक्लेयर कर दिया 1 मिनट पहले विनर भी है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करिएगा ट्राई, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ओके जी सुनाओ, 3:30 से 4:30 मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे फूड डायरीज में लाइव और मसाला टीवी। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। हैव अ नाइस वीकेंड, स्टे सेफ, कोविड से बचिए, अभी भी कोविड है, कहीं भी जाएं मास्क ज़रूर पहने, ठीक है। हम भी जैसे ही शो खत्म होता है मास्क पहनती हूँ और मेरे सामने जो सब काम कर रहे हैं वो सब मास्क हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया करें, बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को मिलने की, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस वीकेंड। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी लाइव 3:30 बजे पीर को। सो दीजिए इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।